हेलो लोग, गाइस कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक तो गाइस जो ट्रेंडिंग चल रही है अकाउंट सस्पेंड की, तो मैं बताऊंगा अकाउंट सस्पेंड आप किस तरीके से खोल सकते हो। तो गाइस दूसरी टॉपिक वो मैं पहले जो पहली बार बोला सस्पेंड वाली, तो मैं आखिरी में बताऊंगा। एंड अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो न्यू गाइस छुपने की जगह के ऊपर वीडियो आई है, तो मैं इसके ऊपर मैं वीडियो बना के बता रहा हूँ गाइस किस तरीके से आप तरह तरह की जगह में छुप के आसानी से बंदे ठोक सकते हो, पूरी स्क्वाड ठोक सकते हो। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो गाइस थोड़ी देर पहले अपडेट आई लॉन्च पैड की गाइस, और आप लोग भाई बहुत सारे को बंदे को पता नहीं है कि लॉन्च पैड से आप बहुत कुछ कर सकते हो गाइस। या लॉन्च पैड की निशाना जो है आपको सही सही लगाना होगा पहले। तो गाइस देख लो लॉन्च पैड की, अगर आप सही सही निशाना लगा लेते हो गाइस, देख सकते हो किस तरीके बहुत ही आसान होता है गाइस सही सही निशाना लगाना। एंड निशाना लगा के आपको जस्ट लॉन्च करनी है गाइस। और आप देख सकते हो आप जहाँ पे निशाना लगाओगे वहाँ पे आप चल जाओगे। फ्री फायर के अंदर मेरे को कैसे लगा, कल मैं जब गेम खेल रहा था गाइस, एक बंदे ने मेरे को पैर के ऊपर से गोली मार दी। मैं सोचा कि बंदा पैर के ऊपर चढ़ा कैसे, तो मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि गाइस बंदे लोग लॉन्च पैड यूज़ करके पैर के ऊपर चढ़ रहे। तब मेरे को याद आया कि यार लॉन्च पैड यूज़ करके हम लोग बहुत जगह पे भाई जो है चढ़ सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, तो गाइस मैं इसके बाद ट्राई किया तो मैं देखा गाइस लॉन्च पैड यूज़ करते आप लोग हर जगह पे जा सकते हो गाइस, हर चीज़ मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर आप चढ़ सकते हो गाइस लॉन्च पैड यूज़ करके। आपको सिर्फ निशाना सही लगानी है गाइस, और कुछ नहीं, जस्ट निशाना सही लगानी है। एंड आपको गन्स लेके चलनी है क्योंकि ऊपर से आप पूरा स्क्वाड ठोक सकते हो। अगर आपके पास साइलेंसर है तो भाई लॉटरी लग गई, सोचो भाई बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। मैं अभी जो है आप लोगों को यार शिपयार्ड में करके दिखा रहा था, लेकिन आप लोग तरह तरह की जगह पे आप जो है कर सकते हो गाइस। ठीक है, मैं आप दूसरी जगह पे एक करके दिखाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। देख सकते हो यहाँ पे गेवियार्ड में गाइस, गेवियार्ड में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एक बार, ठीक है उसी गेम में। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सामने दूर एक टावर दिख रही है गाइस आप लोगों को, पता नहीं आप लोगों को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, सामने दूर एक टावर है। ठीक है गाइस, और उसी टावर पर मैं निशाना लगा रहा हूँ, ठीक से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। टावर पर मैंने निशाना लगाई एंड यहाँ पर लॉन्च कर दी गाइस। यहाँ पे देख सकते हो पूरी टावर पे आके लैंडिंग हुआ गाइस, देख सकते हो। एंड यहाँ से क्या होगा गाइस, आप किसी भी बंदे को जो है आसानी से रोक सकते हो गाइस। बंदा आपको ढूंढते फिरेगा कहाँ से गोली लग रही है। यहाँ पे पूरा बंदा मरने तक ढूंढते फिरेगा और बाद में सोचेगा कहाँ से पड़ रही है मेरे को। इस तरीके से इस ट्रिक की यूज़ करके ना गाइस लॉन्च पैड से आप अगर आप थोड़ा दिमाग लाओगे फ्री फायर गरीना के अंदर, मतलब ऐसी ऐसी जगह है ना जिसके ऊपर आप लैंड कर सकते हो। और पैर तो गाइस है, पैर के ऊपर तो आप आसानी से लैंड कर ही सकते हो गाइस अगर आप सही निशाना लगा लेते हो। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो लाइक ठोक देना एंड कमेंट करना। एंड गाइस बहुत बंदे बोल रहे हैं हेडशॉट ट्रिक के ऊपर वीडियो बनाओ, लेकिन मैंने यूट्यूब में जो ट्रिक्स देखी है हेडशॉट ट्रिक सब बेकार की ट्रिक्स है। अगर आपको मेरे को एक पता है ट्रिक, तो अगर आपको चाहते हो तो बनाओ, तो मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, सेंसिटिविटी सेटिंग के ऊपर एक ही साथ बना दूंगा। एंड यहाँ पे मैं आपको दूसरी टॉपिक पे बात करता हूँ गाइस, वो है अकाउंट सस्पेंड जो हुई है। तो गाइस दो दिन से गाइस बहुत ही ज़्यादा जो है मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि जीएस के भाई मेरी अकाउंट खुल नहीं रही है, क्या हो गया मेरे को पता नहीं, प्लीज़ देख दो, खोल दो, कुछ भी कर दो। तो गाइस मैंने बोला ठीक है स्क्रीनशॉट भेजो क्या हुआ मैं देखता हूं। तो गाइस सारे बंदों ने मेरे को कुछ इस तरीके से जो ये स्क्रीनशॉट भेजा है, तो उसके बाद मेरे को पता है, मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ पहले। तो गाइस देख सकते हो इस तरीके से स्क्रीनशॉट भेज रहे बोल रहे कि अकाउंट में मैं जब भी खोलता हूँ तो इस तरीके से आ जाता है। तो गाइस मैं सबको बता दूँ, इसे बोलते हैं गाइस रिस्ट्रिक्शन लॉक। गाइस पहली बात तो सुन लो, इसे अकाउंट सस्पेंड नहीं बोलते, अकाउंट सस्पेंड उसे बोलते जब भी आप अकाउंट खोलते हो तो गाइस लिखा था अकाउंट इज सस्पेंडेड एंड वो अकाउंट कोई नहीं खोल सकता। यूट्यूब में तो कोई है ही नहीं गाइस जो खोल सकता है, मेरे को जो उतना पता है भाई, और यूट्यूब में ज़्यादातर बंदे झूठी बोलते रहते हैं। तो ऊपर से गाइस आपको बता दूँ ये होते अकाउंट रिस्ट्रिक्शन लॉक गाइस। तो इसे खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, इसे लॉक सस्पेंड नहीं बोलते, इसको भाई 2 साल बाद भी खोल सकते हो, अभी भी खोल सकते हो, अब जब मर्जी खोल सकते हो। इसे खोलने की तरीका है गाइस, अब अकाउंट सस्पेंड जो अलग ही चीज़ होते हो। ठीक है, एंड गाइस मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ गाइस मेरी भाई खुद के अकाउंट के ऊपर पहले ट्राई मार लेता हूँ कि अकाउंट सस्पेंड होती है खराब होती है कि नहीं होती है, उसके बाद मैं भाई वीडियो पब्लिक करता हूँ गाइस। और मैं आज की इस वीडियो में खोलना सिखाऊंगा गाइस आप लोगों को किस तरीके से जो है अकाउंट खोलनी है गाइस। उससे पहले मैं आपको बता देना कोशिश करूंगा कि गाइस मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मेरे खुद के अकाउंट पर ट्राई करता हूँ एंड उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ। लाइक गाइस आप लोग मेरे अकाउंट बैंड हो जाए कोई बात नहीं, आप लोगों के अकाउंट अगर बैंड होती है भाई बहुत ही लफड़ा होगा, तो इसीलिए मैं खुद के अकाउंट पर सबसे पहले ट्राई करता हूँ। और मैं गाइस अभी तक मेरे को जितना पता है मैं 100% श्योर हूँ यूट्यूब के अंदर इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा डायमंड परचेस मैं ही करता हूँ। लगभग 50,000 डायमंड की मतलब 50,000 रुपये मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ मेरी अकाउंट के पीछे, जिसमें मैं ठीक से खेलता भी नहीं हूँ, 50,000 रुपीज़ गाइस। ठीक है, तो गाइस मैं पहले तो मेरी उस कीमती वाली अकाउंट में सब कुछ ट्राई करता हूँ, अगर अकाउंट सस्पेंड होता है
तो छोड़ो, और अकाउंट अगर सस्पेंड नहीं होता है गाइस तो ही मैं उस वीडियो को यूट्यूब में डालता हूँ गाइस, ठीक है। दूसरी टॉपिक गाइस, आप अकाउंट को खोलोगे कैसे, तो मैं पूरी लोचा आप लोगों को बताता हूँ। दो दिन पहले मेरी एक दोस्त ने बोला मैंने रिफंड मारी थी, तो भाई उस मैंने उसको पूछा कि क्यों मारी थी, बोला कि मेरे एक दूसरे दोस्त ने बोला, तो मैंने बोला मैंने तो बोला ही था तेरा अकाउंट सस्पेंड होगा। तो किस तरीके से सीन शुरू हुआ मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को। एक बंदे ने अकाउंट में जो भी रिफंड मारते हैं गाइस, ठीक है, गूगल प्ले बैलेंस को जो भी बंदे रिफंड मारते हैं, डेबिट कार्ड बैलेंस को जो भी बंदे रिफंड मारते हैं, उनकी अकाउंट जो है सस्पेंड होती है गाइस, ठीक है, एक दिन दो दिन दस दिन के बाद। लेकिन क्या हुआ था, कुछ दिनों से जो भी बंदे रिफंड मार रहे थे उनकी अकाउंट जो है अचानक से सस्पेंड नहीं हो रही थी। तो गाइस बंदे लोगों ने बोला कि यार, एक बंदे ने बोला मैंने 3 महीने हो गए अकाउंट में रिफंड मारे, कोई भी सस्पेंड नहीं हो रहा। तो बंदा रिफंड मार मार के सब कुछ खरीदने शुरू कर दी। मेरे एक दोस्त ने बोला भाई वो रिफंड मार रहा है उसको कुछ नहीं हो रहा, मैं भी मार रहा हूँ। मैं बोला मत मारो, हो जाएगी सस्पेंड। लेकिन यार उसने क्या किया, उसने भी रिफंड मार ली। क्योंकि यार कैसा हो गया, बात सुनो, एक बंदे ने दारू पिया तो उसको कैंसर नहीं हुआ, तो उस बंदे ने बोला दूसरे बंदे को, दूसरे बंदे लोग सब बोलने लगे अरे वो बंदा 3 महीने से दारू पी रहा है उसको कुछ कैंसर नहीं हो रहा, मेरे को क्या होगा। उन लोग उस सब बंदे ने शुरू कर दी दारू पीना। तो कुछ इस तरीके से लोचा हो गया गाइस, ठीक है। तो गाइस अभी न्यू अपडेट आई एंड सबकी अकाउंट में जो है लॉक लग गई रिस्ट्रिक्शन की गाइस, ठीक है, मतलब कैंसर हो गई सबको। तो गाइस अभी इस कैंसर को ठीक कैसे करें, मतलब रिस्ट्रिक्शन को ठीक कैसे करें, पहली बात अगर ठीक करना सही है या नहीं है, ठीक करना सही नहीं है पहली बात तो मैं बता दे रहा हूँ। दूसरी बात क्यों सही नहीं है, अगर आपके अकाउंट में अभी 5,000 डायमंड रिस्ट्रिक्शन पे है गाइस, अगर आप 5,000 डायमंड को खरीद के दे दो गिरिना को, अचानक से नेक्स्ट डे आपकी 10,000 डायमंड फिर से रिस्ट्रिक्शन हो सकता है गाइस, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे एक दोस्त के साथ हो चुका है एंड उसने मेरे को बताया एंड उसने मेरे को वीडियो भी बना के दी थी, ठीक है, एंड वीडियो बहुत लंबा हुआ इसलिए नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि उसने यार पहले दिन 2,000 डायमंड उसका रिस्ट्रिक्शन पे था, इसने उसने 2,000 डायमंड जो है मतलब खरीद के दे दी गिरिना को, उसके अकाउंट खुल गई। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ गाइस, उसके अकाउंट में और 5,000 डायमंड माइनस हो गए गाइस, ठीक है। तो वो भी मतलब क्या आप इन्वेस्ट करोगे उसके बाद फिर से लॉक हो जाएगा, फिर अगर पैसे नहीं हो गए तब खोल नहीं पाओगे। तो भाई मैं ऐसे ही बोलूँगा, अगर आप श्योर हो आपके पास पैसे है तो ही भाई आप खोलो, अगर आप श्योर नहीं हो पैसे नहीं आपके पास ज़्यादा तो भाई न्यू अकाउंट बना लो, ये सही है, ठीक है। एंड गाइस किसने बोला था यार रिफंड मारने के लिए, पता नहीं यार, और बंदे भाई वीडियो कहाँ से मिलते तुम लोगों को रिफंड मारने वाले, ट्रिक कौन छोड़ता है ये सब ट्रिक भाई। रिफंड मारना पूरी भी इलीगल है, अगर गिरीना यहाँ पे बिजनेस करने आई है तो भाई वो थोड़ी अपना नुकसान मतलब चाहेगा उसका।